चलिए अब न्यूजीलैंड के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के साइज के बहाने हम थोड़ी और चीज सीख लेते हैं, दैट इज मैरीटाइम जोन्स एंड बाउंड्रीज। ओके, तो मैरीटाइम जोन्स एंड बाउंड्रीज के बारे में बहुत खूबसूरत तरीके से हम, जो मैंने लिखा है बहुत टाइट टाइट लिखा है, आई नो दैट, मैं इसे पढ़ दूंगा। मुद्दा है कि मैं कई इमेजेस के वाया आपको बात समझाऊंगा और वो आपको डिटेल में समझ आएगी। मैरीटाइम जोन्स एंड द बाउंड्रीज, समुद्र में आपके देश की सीमाएं कहां तक जाती हैं, समुद्र में, सागरों में आपके देश की सीमाएं कहां तक जाती हैं, ये जानना है हमें। मैंने नेशन भी लिखा है ब्रैकेट में, मैंने कोस्टल स्टेट्स लिखा है। आप ही हैं कोस्टल स्टेट, हर नेशन तो कोस्टल स्टेट नहीं है, है ना। इंडिया आधा ऊपर तो कोई ओशियन नहीं लग रहा है, नीचे ही लग रहा है। न्यूजीलैंड सारे को ही लग रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी सारे को ही लग रहा है आइलैंड। तो कोस्टल स्टेट वर्ड जब आएगा तो नेशन समझ लेना, नेशन जब आएगा तो कोस्टल स्टेट समझ लेना, टेंशन नहीं लेना। कैसी टर्म्स पढ़ेंगे, एक वर्ड पढ़ेंगे द बेस लाइन, एक वर्ड पढ़ेंगे द इंटरनल वाटर्स, दूसरा पढ़ेंगे टेरिटोरियल सी, तीसरा पढ़ेंगे कॉन्टिग्यूअस जोन, चौथा पढ़ेंगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, फिर पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ, फिर पढ़ेंगे द हाई सी और फिर द एरिया। द हाई सी, द एरिया और कॉन्टिनेंटल शेल्फ नहीं लिखा क्योंकि पहले इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी अभी, तो फिर वो तीनों में इस पे लिख दूंगा, वो समझ आ जाएंगे। दी बेस्ट टॉपिक है दुनिया के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का और यूपीएससी और अदर स्टेट सिविल सर्विसेज का तो फेवरेट है ये। हमारे ज्योग्राफी के अलग अलग लेक्चरों में अलग अलग जगह पे कई बार कवर हुआ है, आज इसका हम एक सेगमेंट बना रहे हैं अलग से, समझ लीजिए इसको। चलिए सबसे पहले समझें कि करना क्या चाह रहे हैं हम, होना देखने क्या जा रहे हैं, होने क्या वाला है, आओ वो दिखाऊं। उसके पहले इसे समझो, जब आप समुद्र में जाते हो तो होता क्या है, इसे देखना जरूरी है। कहाँ चला गया मैं, ज़मीन लेने गया था, ये ज़मीन है, ये आपका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर आप बस रहे हो। पर ऐसे केक की तरह तो भगवान ने काटा नहीं होगा कि केक काटो कड़ाच कड़ाच, ये तो प्राकृतिक रूप में बने हैं। तो कारण ये है, चीज़ ये है कि ये था ज़मीन थी, फिर पानी चढ़ना शुरू हुआ। जैसे आप एक ग्लास के कंटेनर में, बड़े से कंटेनर में एक कोई रॉक का पीस रख दो, फिर धीरे धीरे उसमें पानी पोर करो, वाटर पानी डालो, फिर वो पानी का लेवल रेज होगा तो आधी रॉक ऊपर दिखेगी, वो आइलैंड की तरह, आधी पानी के अंदर भी तो है कि नहीं। ऐसे ही हमारी ज़मीन है ये, तो ये जो है ना लैंड, ये ऐसे आप जाते हो ऐसे पटक करके समुंदर में नहीं गिर जाते, ये थोड़ा ऐसे एक्सटेंड होता है। देखो तो आप यहाँ पर हो, ठीक है, फिर आप धीरे धीरे किनारे पर गए समुद्र के, ये थोड़ा थोड़ा बीच शुरू हुआ, अब इसके आगे का हिस्सा समुद्र में है, तो समुद्र का लेवल तो ये रहेगा, पर इतनी ज़मीन डूबी हुई है। आपका कद बहुत लंबा है तो चलते जाओ फिर भी दिखते रहोगे पानी के बाहर, लेकिन अदरवाइज़ पानी में जाना ही पड़ेगा। ये दिस वन इज़ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, फिर इसके आगे जाओगे स्लोप आ जाएगी, फिर थोड़ा सा राइज आ जाएगा, फिर बेसिन आ जाएगा, बेस। ये समुद्र के अंदर का सारा बता रहे हैं, समुद्र के ऊपर तो ज़मीन है आपको पता ही है कि गंगा का प्लेन है, ये प्लेच्यू है, ये हिमालय माउंटेन है, एवरीथिंग। ये समुद्र के अंदर की आकृति कैसी है, कैसी फॉर्म है, देखना पड़ेगा ना। तो ज़मीन से चलते हैं, किनारे पे पहुँचते हैं, किनारे की रेत कब पानी में ढक जाती है, फिर उस पानी के अंदर क्या है आओ देखते हैं। ओके, दिस वन इज़ द शेल्फ एरिया, तो अब उसको मैं दिखाता हूँ। इस इमेज को देखो पहले, तो ये इमेज दिखाती है, इस इमेज, ये इमेज देखो, ठीक है। सबसे पहले बताया कि देखो आप पहले तो यहाँ खड़े हो सूखे में सेफ्टी के लिए, यहाँ नहीं आता समुंदर, ये आपका किनारा बीच बीच कुछ इधर से आया होगा ना पीछे से। ये देखो ये है पहले इंटरटाइडल जोन, इंटरटाइडल जोन कौन सा, ध्यान से देखो, हाई टाइड आती होगी तो वहाँ तक पानी जाता होगा और लास्ट टू लास्ट लो टाइड इस एरिया को टच करती है ना। अगर हम ये कहें कि समुद्र कम से कम हमारी ज़मीन के किस हिस्से को छूता है, कटो कट पंजाबी में हम अगर कहें कि कम से कम हम समुद्र कब हमारी ज़मीन को छूता है, तो आप कहेंगे कि जो लो टाइड जिस लोएस्ट रीजन को आकर के टच करती है, कम से कम तो समुद्र उसे छूता ही है। हाई टाइड्स लो टाइड्स,
है ना, एकदम छोटी लहर, वो जिस आखिरी पॉइंट को छूती है जाकर के, वहाँ तक तो एटलीस्ट वो छूता ही है। ओके, तो इस तरह से टाइड्स के बीच का इंटरटाइड जोन, इतनी बात समझ में आई? पर हमारे लेक्चर की कंसिडरेशन में आज नहीं, हम आगे बढ़े, पानी शुरू हो गया, आगे नहीं, यहाँ तक लहरों की मार हो रही थी, अब तो पानी आ गया। अब यहाँ पर ये देखो, दिस वन इज़ द शेल्फ, वो मैंने जैसे बुक दिखाई थी, दिस इज़ योर कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब नीचे नीचे देखो शेल्फ है, लेकिन उसके ऊपर वाटर का कॉलम भी है। आगे बढ़े, देखो कितनी स्टीप स्लोप आ जाती है। तो दिस वन इज़ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड दिस वन इज़ द स्टीप स्लोप। लेकिन इस स्टीप स्लोप के बाद फिर से थोड़ा सा राइज हुआ है, देखो स्लोप थी ऐसे, दिस वन इज़ द स्लोप, ये फिर थोड़ा राइज हुआ है, दिस इज़ द कॉन्टिनेंटल राइज। यहाँ पर स्लोप थोड़ी मॉडरेट हो गई, और उसके बाद हम गए, दिस वन इज़ द प्लेन, कौन सा प्लेन? द एबिसल प्लेन, एबिस लेवल, ओके, समुद्र का तला, तले पे पहुँच गए आप, यहाँ से पानी यहाँ है। लेकिन जब हम आगे गए तो आगे क्या नज़र आई? खाई, द ट्रेंच, ट्रेंचेस भी होती हैं, ओके, तो दिस इज़ द ट्रेंच। तो सिंपल कहानी ये है कि जब ज़मीन से चलते हैं, पहले बीच पे पहुँचे, इंटरटाइडल जोन आ गया, अब घुस गए समुद्र में, द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, आगे गए एकदम स्टीप स्लोप, है कि नहीं, फिर थोड़ी मॉडरेट हो जाएगी स्लोप, द कॉन्टिनेंटल राइज, फिर आगे गए द प्लेन, द एबिसल प्लेन, देन द ट्रेंच, अगर है तो। कॉन्टिनेंटल शेल्फ देख लिया, मेन दिखाना था मुझे ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यहाँ पे छोटा दिख रहा है, आगे अब बड़ा दिखेगा। ये होते हैं ओशियन के जोन्स, डोंट कंसिडर देम द मैरीटाइम जोन्स, ये मैंने ओशियन के अंदर के जोन्स बताए। अब मैरीटाइम जोन्स की बात करते हैं, इसे देखो, इस इमेज को देखो, यहाँ पर आप खड़े हो, ये आपका लैंड है, ठीक है। सबसे पहले आपने ड्रॉ की एक बेस लाइन, दिस वन इज द बेस लाइन, कैसे ड्रॉ करते हैं बता दूंगा, ये बेस लाइन। अब सब कुछ इस बेस लाइन से मेजर करना है, यू हैव टू मेजर एवरीथिंग फ्रॉम बेस लाइन। कैसे? बेस लाइन से मेजर किया, दिस इज द बेस लाइन, बेस लाइन से मेजर किया 12 नॉटिकल माइल्स तक, टेरिटोरियल सी, बेस लाइन से मेजर किया 24 नॉटिकल माइल्स तक, कॉन्टिग्यूअस जोन, 12 बेस लाइन से शुरू किया 200 नॉटिकल माइल्स तक, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, सब कुछ यहीं से शुरू किया। अब इसको दूसरे मैनर में भी कह लो कि यहाँ से बेस लाइन से शुरू किया तो 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल सी, उसके और आगे 12 नॉटिकल माइल्स तक फिर कॉन्टिग्यूअस जोन, है ना, ऐसा भी कह सकते हो। पर वहाँ से पीछे की ओर आओगे तो बेस लाइन तक वो 24 नॉटिकल माइल्स ही है, वो बात अलग है कि वो शुरू टेरिटोरियल सी के ख़त्म होने पर हो रहा है, आई बात समझ में? तो इस हिसाब से इन टोटेलिटी बेस लाइन से ही मेजर करना है हमें, तो 24 नॉटिकल माइल्स पे, बट है उसका इलाका 12 नॉटिकल माइल्स का। ये हमने क्यों बांटा? क्योंकि किसी भी नेशन या कोस्टल स्टेट के इनके हिसाब से अधिकार बदलेंगे। फिर इसी तरह से 12 नॉटिकल माइल्स का टेरिटोरियल सी हटाओ, 12 नॉटिकल माइल्स का एक्सक्लूसिव कॉन्टिग्यूअस जोन हटाओ, फिर आगे सारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, बट असल में शुरू तो वो बेस लाइन से ही हो रहा है, तो वो बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स है। तो आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि मेजर हम बेस लाइन से करते हैं, बट अब ये बेस लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, इसे भी ड्रॉ करने का कोई तरीका होना चाहिए। तो जैसे इंडिया है, इंडिया या कोई कंट्रीज़ हैं, कोस्ट तो ऐसे आड़ा टेढ़ा होगा, सपोज करो कैसे भी करके, तो ये जो इतना का लैंड आगे निकला है, फिर इतना का पीछे, फिर इतना का आगे, इसमें रिवर्स आके डेल्टा बना रही हैं, तो रिवर वाटर्स, कई तरह की लगून लेक्स, कई तरह के कोरल रीफ्स ने कोई फ्रिंजिंग रीफ बनाया तो उसके अंदर का पानी रुका हुआ है, कोई छोटा सा टुकड़ा कट के बगल में हमारे आइलैंड का, इनके बीच में पानी, मेनलैंड और आइलैंड के बीच, कई तरह के इनलेट्स, कई तरह के अंदर गल्फ, कई तरह की बेज, तो मैनी टाइप ऑफ इनलेट्स, गल्फ्स, बेज, द रिवर वाटर डेल्टा एरियाज, द लेक्स, ये सब वाटर बॉडीज़ हैं जो कोस्ट से कनेक्टेड हैं। तो करना क्या है फिर? फिर एक लाइन ड्रॉ कर दी जाती है, कई बारी लाइन आड़ी टेढ़ी होती है, लेकिन कई बारी जब बहुत कॉम्प्लेक्स कोस्ट लाइन हो कि बहुत सारी इनलेट्स हैं, बहुत सारी इंडेंटेड कोस्ट लाइन है, तो
तो फिर हम एक स्टैंडर्ड स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं स्पेशल केस में। तो ये वर्ड याद रखना है कि स्पेशल वेरिएशंस आ सकती हैं इसमें। ये बेस लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें क्या लेना चाहिए, हमें कोस्ट का वो इलाका देखना है जिस इलाके को लो टाइड टच करती है जा करके। सो वो लोवेस्ट एरिया जिसे लो टाइड टच करती है वहाँ से हम बेस लाइन लेते हैं, इसलिए हम बेस लाइन को लो वाटर से लेते हैं। तो लो वाटर लाइन क्या होती है, वो लोवेस्ट एरिया उस कोस्ट का जहाँ पर लो टाइड जा करके टच करती है, इसे कहते हैं लो वाटर। इसके आधार पर ड्रॉ की गई द लो वाटर लाइन, यही होती है द बेस लाइन। तो मैंने यहाँ पर लिखा है लो वाटर लाइन द लोवेस्ट पॉइंट ऑन अ बीच दैट इज रीच्ड बाय द सी ऑफ लो टाइड। ऐसे ही लिख लेना एग्जैक्ट। लो वाटर लाइन क्या है, द लोवेस्ट पॉइंट ऑन अ बीच दैट इज रीच्ड बाय द सी ऑफ लो टाइड। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। इसको आधार बना करके हम बेस लाइन ड्रॉ कर देते हैं। जब हम बेस लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो हमें मिलता क्या है, ये मिलता है। आओ समझो, अब आपको एक इमेज दिखाता हूँ। देखो ये किसी कंट्री का कोस्ट है। अब हमने बेस लाइन ड्रॉ की, इस बेस लाइन के अंदर ये वाटर आ गया ना, इंटरनल वाटर। ये वाटर पॉकेट अंदर की तरफ आ गई, फिर लैंड शुरू हो गया। फिर हमने देखो बेस लाइन ऐसे सीधी नहीं चलाई, हमने घुमा के चलाई थोड़ी। देखो घुमा के चलाई ना हमने, तो मैंने क्या बताया कि स्पेशल वेरिएशंस आ जाती हैं। तो अब ये जो हमने बेस लाइन ड्रॉ की है ना, इस बेस लाइन के अंदर जितना पानी है, ये वाला, ये सारा पानी और ये लैंड, ये सारा पानी, इसे बोला जाता है द इंटरनल वाटर। बेस लाइन के अंदर लैंड की तरफ को जितना भी पानी है वो सारा इंटरनल वाटर्स है, रिवर्स, लेक्स, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ओके, इनलेट्स, इंडेंटेड वाटर बॉडीज, एवरीथिंग, इट इज़ द टेरिटोरियल वाटर विच इज़ अंडर द बेस लाइन टूवर्ड्स द लैंड। और इस बेस लाइन से फिर जब हम मेजर करेंगे तो वो आएगा पहले 12 नॉटिकल माइल्स का टेरिटोरियल सी, बेस लाइन से ही मेजर किया है, फिर 12 नॉटिकल माइल्स का कॉन्टिगुअस जोन, मेजर बेस लाइन से ही हुआ है तो 24 नॉटिकल माइल का होगा। बट टेरिटोरियल लॉज को एडमिनिस्टर करने के हिसाब से ये 12 नॉटिकल माइल्स काउंट हो रहा है जो वेरिएशन। फिर यहाँ से यहाँ तक 200 नॉटिकल माइल्स की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यहाँ से यहाँ तक 200 नॉटिकल माइल्स का कॉन्टिनेंटल शेल्फ। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से भी आगे तक जाता होता है हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ, तो उसको लिखते हैं एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ। उसको हम क्या लिखते हैं, दिस एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इफ देयर इज एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ तो ठीक है, उसके आगे फिर हाई सीज है। और अगर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और कॉन्टिनेंटल शेल्फ की सीमा बराबर है, या कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर आ रहा है, तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तो 200 नॉटिकल माइल तक जाता है, तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद फिर हाई सी आता है। तो मेन कहानी, फर्स्ट द टेरिटोरियल वाटर, देन द बेस लाइन, देन फर्स्ट द इंटरनल वाटर, देन द बेस लाइन, देन द टेरिटोरियल सी, देन कॉन्टिगुअस जोन, देन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, देन हाई सी। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बराबरी लंबाई में ही जाती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को लेके अधिकार और कॉन्टिनेंटल शेल्फ को लेके अधिकारों में फ़र्क है, अभी पता चल जाएगा। कई बारी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से कॉन्टिनेंटल शेल्फ लंबी हो जाती है, वो फिर एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ कैटेगरी में आती है। ओवरऑल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के आगे है द हाई सी। हाई सी सारी कंट्रीज़ के कोस्टल वाटर्स पर, यानी कि ओशियन या सी वाटर्स पर सीमाएं ऐसे ही निर्धारित होती हैं। तो सारी कंट्रियों के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स के आगे जो पानी है सारा वो हाई सीज है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम इन्हें समझना पढ़ना शुरू करें, उसके लिए अब कुछ इमेजेस देखें और दिमाग में बैठा लें।
ताकि कोई डाउट ना रह जाए, कोई दिक्कत ना आए। हमने अभी ये जो देखा उस हिसाब से एक इमेज देखो, क्या बताती है? हमने ऐसे क्यों पाटा इन्हें? हमने बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल टेरिटोरियल सी को रखा। टेरिटोरियल सी के ऊपर जो एयर स्पेस है, दैट इज नेशनल एयर स्पेस, इट इज़ अ नेशनल एयर स्पेस। लेकिन टेरिटोरियल सी के बाद हमारे पास 12 नॉटिकल माइल्स का कॉन्टिगुअस जोन था। वो 12 नॉटिकल माइल्स का जो कॉन्टिगुअस जोन है, उसके ऊपर का जो एयर स्पेस है वो नेशनल एयर स्पेस नहीं है, वो इंटरनेशनल एयर स्पेस है। तो इससे हमें क्या समझ आया? टेरिटोरियल सी में हमारे पास बहुत सारे अधिकार होंगे, बहुत सारे अधिकार। कॉन्टिगुअस जोन में हमारे अधिकार थोड़े घटे। जैसे पहला एक विजिबली घटता हुआ अधिकार दिखा, वो है एयर स्पेस को लेके। एक बड़ा अधिकार घट गया, दैट इज एयर स्पेस को लेके। एयर स्पेस नेशनल ना होके इंटरनेशनल हो गया, ठीक है। अब जब हम इसके आगे जाएंगे, इसके आगे हम चले गए, तो ये यहाँ तक आप देखिए, ये है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो कॉन्टिगुअस जोन से आगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के टर्मिनल पॉइंट तक अधिकारों में और बदलाव आ जाएगा। अब आप अगर लॉजिकली देखें तो आप एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के पॉइंट पर खड़े हैं, टर्मिनल पॉइंट पे। आप एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के टर्मिनल पॉइंट पे खड़े हैं, जहाँ पे वो ख़त्म हो रहा है, और आप एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को मिलने वाले सारे राइट्स एक्सरसाइज करना चाहते हैं। तो टर्मिनल पॉइंट से खड़े होके बेस लाइन तक जाइए, टर्मिनल पॉइंट से बेस लाइन तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाले तो सारे राइट्स एग्जीक्यूट कर ही सकते हो आप। इसलिए हम सब चीज़ों की मेजरमेंट बेस लाइन से कर रहे हैं। बेस लाइन से मेजर करने का लॉजिक समझो। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से जुड़े मान लो कुछ अधिकार हैं, कुछ राइट्स हैं, वो टर्मिनल पॉइंट से बेस लाइन तक तो सारे यूज़ ही कर सकते हो। लेकिन जैसे ही टर्मिनल पॉइंट से बढ़कर के आगे जा रहे हो, तो जहाँ पर कॉन्टिगुअस जोन की सीमा शुरू होगी, वो वाले अधिकार भी जुड़ जाएंगे। आगे बढ़े, जैसे ही टेरिटोरियल सी वाली सीमा आएगी, और अधिकार बढ़ जाएंगे, और बढ़ते बढ़ते आगे बेस लाइन तक। मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बॉर्डर से चले बेस लाइन की तरफ, तो फ्रॉम एंड टू बेस लाइन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाले राइट्स तो सारे रहने ही रहने हैं। बट ऐसे काटा क्यों है फिर इन्हें? क्योंकि जैसे ही एंटर करोगे कॉन्टिगुअस जोन में, वो एडेड अधिकार और ऐड हो जाएंगे। जैसे ही एंटर करोगे टेरिटोरियल सी में, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और कॉन्टिगुअस जोन के बेनिफिट्स के साथ टेरिटोरियल सी वाले बेनिफिट्स भी ऐड हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि टेरिटोरियल सी रीजन में खड़े हो तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाली एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, करो, वो करो। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कॉन्टिगुअस जोन वाली एक्टिविटी नहीं कर सकते, वो भी करो, क्योंकि खड़े कहाँ हो? टेरिटोरियल सी में। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाली गतिविधि भी करो, कॉन्टिगुअस जोन वाली भी करो। और क्यों? क्योंकि खड़े हो तुम टेरिटोरियल सी में, और टेरिटोरियल सी में अधिकार बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं, ओके। इसलिए बांटा है इनको कि जब बेस लाइन से आगे की तरफ जाते हैं, हमारे राइट्स एक नेशन के अधिकारों में परिवर्तन आता है, उस हिसाब से इनको बांटा गया है। पर बेस लाइन से क्यों शुरू किया गया है? क्योंकि थ्रू आउट जब हम किसी भी एक टेरिटरी को देख रहे हैं, उसके अधिकार बेस लाइन से शुरू हो रहे हैं, एक पॉइंट पे टर्मिनेट हो रहे हैं। आई बात समझ में? दूसरे के अधिकारों में वेरिएशन आ रही है उस पॉइंट से उसके टर्मिनेशन पॉइंट तक, बट वो वहाँ से बेस लाइन की तरफ जब जाएगा, अपने अधिकारों को थ्रू आउट एग्जीक्यूट कर सकता है। वो वहाँ से बेस लाइन की तरफ जब जाएगा तो अपने अधिकारों को वो थ्रू आउट एग्जीक्यूट कर सकता है। एडिशन में उसे मिल रहे हैं बेस लाइन की तरफ जाते हुए और ज़्यादा अधिकार। इसलिए कैलकुलेशन बेस लाइन से ही चल रही है कि बेस लाइन से आगे की जाते हुए अधिकार घटते हैं, पर टर्मिनल पॉइंट से बेस लाइन की तरफ आते हुए अपने अधिकार तो मेंटेन ही रहने हैं, नए और जुड़ते जाने हैं।
तो फ्रॉम द बेस लाइन टू द 200 नॉटिकल माइल्स इज द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इंजॉय ऑल द राइट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। कोई नहीं कहेगा कि कॉन्टिगुअस जोन के बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाले काम करो, नहीं, फ्रॉम वेरी बेस लाइन ही हम करेंगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाले काम। अगर हमें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में वाटर करंट से या वेव से एनर्जी क्रिएट करने का अधिकार है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, तो बिल्कुल बेस लाइन के बगल में ही अगर कर सकते हैं तो करेंगे। तो पूरा शुरू से एंड तक करो अधिकार। लेकिन जो कॉन्टिगुअस जोन में अधिकार मिले हैं वो कॉन्टिगुअस जोन की लिमिट खत्म होते ही अपने पानी के जहाज अपनी सरकार के वापस ले जाओ, अब नहीं आगे जा सकते, क्योंकि अब आगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से जुड़े एक्सक्लूसिव राइट्स ही मिलेंगे, कॉन्टिगुअस जोन वाले नहीं। जैसे टेरिटोरियल सी या टेरिटरी में, आपकी कंट्री की टेरिटरी या टेरिटोरियल सी में कोई इमिग्रेशन, कस्टम्स, सैनिटरी लॉज या किसी भी तरह के लॉ एंड ऑर्डर की इन्फ्रिंजमेंट करके दौड़ा है, या तो आपकी टेरिटरी या टेरिटोरियल सी से, तो उसे पकड़ने के लिए कुछ भी करने के लिए कॉन्टिगुअस जोन तक जा सकते हो। लेकिन जैसे ही वो निकल गया उधर से तो जहाज मोड़ो, उसी समय फिल्मों में देखा होगा वो कहते होते हैं अब वापस जाना पड़ेगा, इसके आगे हम नहीं जा सकते, इसके आगे हम नहीं जा सकते, चलो वापस, कॉन्टिगुअस जोन की लिमिट आ गई, गो बैक। क्योंकि वो कॉन्टिगुअस नाम ही इसलिए है कि टेरिटोरियल सी से जुड़े हुए हमारे बहुत सारे राइट्स हैं, बहुत सॉवरेनिटी हमारे पास। तो कई बार क्या होता है कि कई इन्फ्रिंजमेंट्स हो जाती हैं, उन इन्फ्रिंजमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कुछ नेसेसरी एक्शंस लेने के अधिकार हैं, वो हम कॉन्टिगुअस जोन में ले सकते हैं। हमारे टेरिटोरियल सी में किए गए कारनामों के वजह से वो कॉन्टिगुअस जोन में चले गए हैं, हम उन्हें पकड़ करके वहाँ पे उन्हें अपनी कंट्री के हिसाब से पनिश करेंगे। बट वहीं जैसे ही कॉन्टिगुअस जोन की लिमिट ख़त्म होती है, ये जो नेसेसरी कंट्रोल्स हमें मिले हैं ख़त्म हो गए, अब आगे अगर जाना तो वो वाला पानी का जहाज जाएगा जो लिविंग और नॉन लिविंग मरीन रिसोर्सेज कैप्चर करने गया है, कॉन्टिगुअस जोन में वो राइट है, वो कर लो। जो दूसरा पानी का जहाज गया था पकड़ने किसी को, वो चुप करके वापस जाओ। तो बेस लाइन से आगे की तरफ जाते हुए बाउंड्री टू बाउंड्री अधिकार बदल रहे हैं, जो कि घट ही रहे हैं, और एंड से इधर की ओर आते हुए बेस लाइन की तरफ अधिकार बढ़ ही रहे हैं। इसलिए इनको अधिकारों के हिसाब से, आपके राइट्स के हिसाब से डिवाइड किया गया है। बात समझ में आ गई? वो अभी और अच्छे समझ आएगी जो मैं अभी कराऊंगा। और इंटरनल वाटर बोले तो सिमिलर लाइक द टेरिटरी, इंटरनल वाटर माने तो टेरिटरी, जो जैसे राइट टेरिटरी में है एक सरकार के, पूरे इंटरनल वाटर में वही राइट है, उसको नाम ही दे दिया इंटरनल वाटर। इट इज़ लाइक योर लैंड, इन्जॉय दिस। सारी कहानी शुरू हो रही है बेस लाइन से, ओके? तो अब मैं शुरू कर रहा हूँ वर्ड बेस लाइन की, बेस लाइन का मीनिंग क्या। सो बेस लाइन, द नॉर्मल बेस लाइन इज द लो वाटर लाइन अलोंग द कोस्ट एज मार्क्ड ऑन अ लार्ज स्केल चार्ट्स ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय द कोस्टल स्टेट। कोस्टल स्टेट इसे रिकॉग्नाइज करता है तो ये मान्यता प्राप्त करती है, वो रिकॉग्नाइज ही करेगा ना, पहले तो ही तो होगा। स्पेशल रूल्स फॉर डिटर्मिनिंग द बेस लाइन अप्लाई इन ए वैरायटी ऑफ सर्कमस्टांसेस सच एज विद बेस, पोर्ट्स, माउथ्स ऑफ रिवर्स, डीपली इंडेंटेड कोस्ट लाइन, फ्रिंजिंग रीफ्स एटसेट्रा। UPSC ऐसी बातें डालने में बेइंतहा खुश होता है, वो ओनली लिख के ये डाल देगा और ऐसी देर आर नो प्रोविजन फॉर स्पेशल राइट्स लिख देगा और आप क्लिक कर देंगे, वो गलत हो जाएगा। स्पेशल सर्कमस्टांसेस देखते हुए स्पेशल मैनर में बेस लाइन ड्रॉ करने के अधिकार हैं, क्योंकि अगर रिवर बहुत ज़्यादा आगे जाकर डेल्टा बना रही है और उसके इधर इतना पानी आ रहा है, आप एक लाइन वहाँ से स्ट्रेट ड्रॉ कर देते हैं। बेस लाइन कॉन्सेप्ट क्लियर? लो वाटर लाइन मैंने यहाँ पे समझा दिया नीचे। अब कहानी शुरू होती है द इंटरनल वाटर्स। तो मैंने फोटोज़ में वो दिखा ही दिए थे इंटरनल वाटर, तो दोबारा मुझे लगता है कोई बहुत ज़्यादा बार बार दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार देख चुके हो। एक बार इस मैप के वाया चीज़ें देख लो ताकि पानी की तरह बात समझ में आ जाए। इस मैप के वाया एक बार चीज़ें देखनी थी। क्या है भाई,
मैप बहुत दीवानगी से बनाया है इन्होंने जिंदगी आपकी खुश कर देने के लिए, इधर से ना शुरू करके उधर से किया है, बंदे ने एंड पॉइंट से काम लिया है, कहता वो जैसा मैं समझाना चाह रहा था। तो आओ इधर, ये है आपकी ज़मीन जहाँ पे खेल रहे हो फुटबॉल, खेलते खेलते पहुँच गए किनारे, ये देखो कितने अंदर इंटरनल पानी पर्पल कलर के, तो ये सारे हुए इंटरनल वाटर, ये ब्लैक लाइन ड्रॉ कर दी। बेटा आप एक बार पूछ रहे थे ना सर, वो जो हवा जो हवाई जहाज उड़ रहा है ज़मीन से अल्टीट्यूड मेजर करेंगे पहाड़ी से या कहाँ, तो मैंने बताया था मीन सी लेवल। आपके मतलब की चीज़ें हैं पढ़ लो, मैंने तो आंसर दे दिया था, कहीं आप किसी को कोई आंसर ना कर पाएं तो बेइज्जती हो जाएगी। तो ये एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने, दिस लाइन इज़ द बेस लाइन। अब इस बेस लाइन के अंदर सारा ये पर्पल कलर का पानी, दिस इज़ द इंटरनल वाटर। अब शुरू करते हैं बेस लाइन से कहानी। तो सबसे पहले बेस लाइन से कहानी शुरू की, ये स्काई ब्लू कलर का पानी 12 नॉटिकल माइल्स तक का, ये इंटरनल वाटर। उसके बाद बेस लाइन से लाइन शुरू की, ये वाला और हल्के ब्लू कलर का बट इन लाइंस के साथ वाला पानी, दिस इज़ द कॉन्टिगुअस जोन, ये 24 नॉटिकल माइल का होता है। अब बेसी लाइन से कहानी शुरू की, ये एरो यहाँ तक चल करके आया, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का ये वाला पानी, जबकि ये है इतना सारा। तो देखो बेस लाइन से ही सारा क्लियर हो रहा है। और उसके बाद हम कहाँ आ गए, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, ये एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ आ गई। और उसके बाद आ गया द एरिया, मैं बता दूंगा वो क्या है और हाई सीज क्या है मैं बता दूंगा। इतनी बात क्लियर हो गई, तो ऐसे ही ये लेयर बनती हैं। खुश हो गए तुम तो, चलो आओ अधिकार समझें, लॉजिकली समझोगे तुम सारे अधिकार। इंटरनल वाटर मैंने अपनी ज़मीन, अपना ही सब, तो इसमें क्या अधिकार होंगे, जो हम बोलेंगे वही होगा, जो हम चाहेंगे वही होगा। परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ये बात हमेशा याद रखना। गगन पे भी हमारा अधिकार होगा, जल पे भी हमारा अधिकार होगा, जल के नीचे वो जो बेड था सी बेड, उस पर भी हमारा अधिकार होगा, उसके अंदर जो मिट्टी खोदेंगे सब सॉइल, उस पर भी हमारा अधिकार होगा। तो तीन वर्ड आएंगे, दैट इज द एयर स्पेस अबव, एक द सुपर जेसेंट वाटर यानी कि वो वाटर कॉलम, एक द सी बेड जिस पे आप खड़े हो, एक मिट्टी खोद दो उसकी, द सब सॉइल। इंटरनल वाटर सब हमारा। अब सुनो, इंटरनल वाटर दैट इज इंटरनल और इनलैंड वाटर ऑन द लैंडवर्ड साइड ऑफ द बेस लाइन, तो बेस लाइन से लैंडवर्ड साइड। सो इंटरनल और इनलैंड वाटर ऑन द लैंडवर्ड साइड ऑफ द बेस लाइन फ्रॉम विच द ब्रेड्थ ऑफ द टेरिटोरियल सी इज मेजर्ड, बेस लाइन से ही टेरिटोरियल सी की ब्रेड्थ मेजर करते हैं। द नेशन दैट इज द कोस्टल स्टेट, आगे मैं हमेशा नेशन लिखूंगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया। The nation that is a coastal state has full sovereignty. क्या है? Full sovereignty, like your land. As if they were part of its land territory. Full sovereignty, जैसे ये आपकी land territory का ही part. तो they may exclude foreign flag vessels from its internal waters. तो internal water में जो foreign flag vessels है, मैंने foreign vessels, you can exclude them, कि जाओ जाओ यहाँ से। कुछ राइट्स होते हैं फॉरेन फ्लैग वेसल्स के पास, जैसे कि राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज, वो उनके पास इंटरनल वाटर में नहीं है, याद रखना हमेशा। इनोसेंट पैसेज का राइट किसी भी फॉरेन फ्लैग वेसल के पास इंटरनल वाटर में नहीं, इंटरनल वाटर इज योर ओन वाटर, सो यू मे एक्सक्लूड देम। आप कह सकते हो चलिए इधर किधर घुस रहे हैं आप इंटरनल वाटर में, लेकिन यही बात है जहाँ पे फिर सिविल सर्विसेज को मज़ा आता है, ये बात रखनी है कि दे मे एक्सक्लूड फॉरेन फ्लैग वेसल्स फ्रॉम इट्स इंटरनल वाटर्स सब्जेक्ट टू द राइट ऑफ एंट्री ऑफ वेसल इन डिस्ट्रेस। अगर सिविल सर्विस में ऑप्शन आया कि इन एनी कंडीशन, तो वो फिर करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि देर इज़ वन कंडीशन कि जैसे एयरप्लेन डिस्ट्रेस में हो या यहाँ पर कोई ओशियन गोइंग वेसल है, तो जो कन्वेंशन हुई है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सी अनक्लॉज और कई अदर कन्वेंशंस भी हुई हैं, इनमें कुछ कंडीशंस रखी गई हैं जिसमें डिस्ट्रेस मेंशन किया गया है, उन कंडीशन में अगर वेसल अप्रोच करे तो आपको उसे एज अ राइट एडमिट करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? इनोसेंट पैसेज का राइट नहीं है वेसल के पास, नो यू कैन एक्सक्लूड देम, बट इफ द वेसल इज इन डिस्ट्रेस एंड इट इज़ प्रूवन अकॉर्डिंग टू द लॉज, जो कि हर कंट्री ने रेटिफाई किया होता है, तो उसे पता ही होता है वो क्या है, उनके पास SOP होता है पूरा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, दे विल टॉक टू द कैप्टन। अगर वो डिस्ट्रेस बनता है
तो शिप का राइट बनता है, समझो बात को। तो इंटरनल वाटर में हमारी सॉवरेनिटी सब्जेक्टेड है टू समथिंग, सब्जेक्ट टू द राइट ऑफ एंट्री ऑफ वेसल इन डिस्ट्रेस। वेसल के पास डिस्ट्रेस की सिचुएशन में राइट ऑफ एंट्री है, उसे किनारे लगाना पड़ेगा, उसके पास फ्यूल खत्म हो गया, कुछ हो गया, बीट एनीथिंग, लगाएंगे उसको। लेकिन इनोसेंट पैसेज नहीं है। इंटरनल वाटर में अपन फुल सॉवरेन, लेकिन फुल सॉवरेन आदमी अच्छा नहीं अगर वो किसी की मजबूरी भी ना समझे। तो मजबूरी में अगर कोई फंस गया है तो उसको अधिकार है एंटर करने का, बाकी उसका कुछ नहीं, खत्म कहानी। तो यहाँ पर बात आई इनोसेंट पैसेज की, तो मैंने लिखा राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज डज नॉट अप्लाई, नहीं है वो। अब आती बात इनोसेंट पैसेज क्या है। इनोसेंट अ पैसेज इज इनोसेंट सो लॉन्ग एज इट इज नॉट प्रीजुडिशियल टू द पीस, गुड ऑर्डर एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, दैट इज द कोस्टल स्टेट। ओके, कोई भी पैसेज इनोसेंट पैसेज है अगर वो किसी भी तरह से आपके देश की पीस, लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी को किसी तरह का कोई प्रिडिक्टेड खतरा नहीं है। दोस पैसेजेस आर इनोसेंट पैसेजेस, और वो राइट है। अगर आप तब तक पानी के जहाज से कोई आपको खतरा ऐसा नहीं भापा जा रहा है तो उनका वो इनोसेंट पैसेज बनता है। अगर फिर भी आपने उनको रोका, क्योंकि ये पैसेज मिलेगा अभी कॉन्टिगुअस जोन में, अगर फिर भी आपने उनको रोका तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि कैसे रोका, क्या आपकी कोई गुड गवर्नेंस, गुड ऑर्डर को, सिक्योरिटी को, पीस को, ऐसा कुछ मिला हमारे जहाज में कि आपको ऐसा लगता था कि हम ये थ्रेट कर देंगे। तो फिर आपको पूरा मेमो देना पड़ता है उनको, नहीं तो फिर कार्रवाई होती है आप पे कि अनड्यू मैनर में इन्होंने हमारे जहाज रोके थे, तो अनक्लॉज के तहत कार्रवाइयाँ होती हैं फिर। तो इसलिए इनोसेंट पैसेज ये वाला पैसेज होता है कि आप मान के चल रहे हैं कि इसे इनोसेंट पैसेज मिलेगा क्योंकि ये किसी तरह से हमारे देश की सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, स्वतंत्रता, किसी चीज़ को हानि नहीं कर रहा, चलो निकलो जाओ, दैट्स ऑल। ये होता है इनोसेंट पैसेज। सो सच पैसेज शैल टेक प्लेस इन कन्फर्मिटी विद द इंटरनेशनल लॉज ऑफ सी एंड अदर कन्वेंशंस, उसके तहत ही बनाए जाते हैं। ये इनोसेंट पैसेज भाई टेरिटरी इंटरनल वाटर में तो है ही नहीं किसी को, क्योंकि कोई भी पूछेगा कि तू मेरे देश में क्यों घुस रहा है। इनोसेंट पैसेज चाहिए, समुद्र में व्यापार करना है, आना जाना है तो जा, इधर किधर घुस रहा है। लेकिन ये अभी एक्टिवेट हो जाएगा कब, अब हम आ गए हैं टेरिटोरियल सी में, हम इंटरनल वाटर से निकल गए, अब सी आ गया, समुंदर, वाटर वर्ड खत्म। ओके, अब एक्टिविटी होती है इसकी, क्योंकि सी में तो जहाज़ों को चलना ही है, चलना है, तो वो साफ सुथरे तरीके से काम काज कर रहे हैं, कोई क्रूज चल रहा है, कोई कार्गो शिप चल रहा है, कुछ चल रहा है, आपके देश को तो कोई खतरा नहीं पहुंचा रहे भाई, तो फिर जाने दो। और जाने दो इसलिए नहीं कि तुम कृपा कर रहे हो, उनका राइट है, उनका राइट है कि वो जाएंगे, तुम रोकोगे तो तुम्हें जवाबदारी देनी पड़ेगी कि कैसे रोका। राइट का मतलब समझ गए ना, दे डोंट नीड टू सीक एक्स्ट्रा परमिशंस, इफ यू विल स्टॉप देम यू हैव टू जस्टिफाई, यू हैव टू प्रेजेंट मेमो कि क्यों रोका। ओके, सो टेरिटोरियल सी, इट एक्सटेंड्स सी वर्ड अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम बेसलाइन, 12 नॉटिकल माइल होता है बेसलाइन से। नेशन एक्सरसाइज सॉवरेनिटी, इनलैंड वाटर में क्या था, फुल सॉवरेनिटी, लेकिन यहाँ पे अब फुल वर्ड निकल गया ना, सॉवरेनिटी है, समझो क्या। तो नेशन एक्सरसाइज सॉवरेनिटी ओवर इट्स टेरिटोरियल सी लाइक द एयर स्पेस अबव इट, यू हैव सॉवरेनिटी, मैंने बताया था वो नेशनल एयर स्पेस है। द सी बेड, जो अंदर सी बेड है पानी के अंदर, उस पर भी, एंड द सब सॉइल बीनीथ इट, तो सी बेड, सब सॉइल, एयर स्पेस, सब पे आपकी सॉवरेनिटी है। बट फॉरेन फ्लैग शिप्स इंजॉय द राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज, उसके उनके पास इनोसेंट पैसेज का राइट है टेरिटोरियल सी में। तो यू हैव सॉवरेनिटी जहाँ तक सॉवरेनिटी होती है, ऐसी कोई फुल जैसी नहीं है कि जो बिल्कुल लैंड जैसा ही लगे कि आपका देश ही है ये। इसलिए फिर फॉरेन वेसल्स को अब इनोसेंट पैसेज का राइट है, धड़ल्ले से अपने देश का झंडा झुला के आएंगे जाएंगे वो, जब तक आपको ऐसा कुछ भांपने में नहीं आ रहा कि आपकी कंट्री की पीस, गुड ऑर्डर और सिक्योरिटी को वो थ्रेट करने वाले हैं, चुपचाप आएंगे जाएंगे वो, डन। तो टेरिटोरियल सी में हमारे पास सी बेड को लेके, सब सॉइल को लेके, एयर स्पेस, हर चीज़ को लेके पूरी सॉवरेंटी अपना ही है भाई, पर फॉरेन वेसल भी आएंगे जाएंगे, तुम तंग नहीं कर सकते। इतनी बात क्लियर।
अब आती है बात द कॉन्टिगुअस जोन एडजेसेंट टू एंड बियॉन्ड द टेरिटोरियल सी। तो एडजेसेंट होता है टेरिटोरियल सी के और उससे बियॉन्ड होता है। दैट एक्सटेंड सी वर्ड अप टू 24 नॉटिकल माइल फ्रॉम बेस लाइन। तो ये लिखने का मतलब है कि आपको ऑर्डर पता चल जाए कि ये किसके बाद आता है, और ये लिखने का मतलब आपको पता लग जाए कि गिनती कहाँ से शुरू होती है। ओके तो दोनों लिख दिए, एडजेसेंट एंड बियॉन्ड टू द टेरिटोरियल सी दैट एक्सटेंड सी वर्ड अप टू 24 नॉटिकल माइल फ्रॉम बेस लाइन। अब नेशन के अधिकार जान लो, नेशन मे एक्सरसाइज द कंट्रोल नेसेसरी। सॉवरेनिटी वर्ड उड़ गया, टेरिटोरियल वाटर फुल सॉवरेनिटी, इंटरनल वाटर फुल सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल सी सॉवरेनिटी, इधर कंट्रोल नेसेसरी। सो नेशन मे एक्सरसाइज द कंट्रोल नेसेसरी टू प्रिवेंट द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ इट्स कस्टम्स, फिस्कल, इमिग्रेशन और सैनिटरी लॉज एंड रेगुलेशंस विद इन इट्स टेरिटरी और टेरिटोरियल सी। उसकी टेरिटरी या टेरिटोरियल सी में अगर आपने इससे जुड़ी कोई भी कस्टम, फिस्कल, इमिग्रेशन, सैनिटरी लॉज और अदर लॉज एंड रेगुलेशंस कोई भी इन्फ्रिंज करे हैं, तो नेशन नेसेसरी कंट्रोल एक्सरसाइजेस कर सकता है यहाँ पर। ओके यही लिखा है कॉन्टिगुअस जोन में। ओके सो नेशन में एक्सरसाइज द कंट्रोल नेसेसरी टू प्रिवेंट द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ इट्स कस्टम, फिस्कल, इमिग्रेशन और सैनिटरी लॉज एंड रेगुलेशंस विद इन इट्स टेरिटरी और टेरिटोरियल सी एंड पनिश इन्फ्रिंजमेंट्स कमिटेड विद इन इट्स टेरिटरी और टेरिटोरियल सी। जो भी किसी तरह की कोई इन्फ्रिंजमेंट कमिट करी है आपने उनकी टेरिटरी या टेरिटोरियल सी में, उसको पनिश कर सकते हैं आप अगर वो ऐसी इन्फ्रिंजमेंट करके इस समय किसी तरह के कॉन्टिगुअस जोन में है। आप इलीगल इमिग्रेंट्स लेकर के एंटर होना चाह रहे थे उनके टेरिटोरियल सी या टेरिटरी में, यू आर इन द कॉन्टिगुअस जोन, वहीं पे धर पकड़ लेंगे। वो नहीं कह पाएंगे कि हम आए आपकी टेरिटोरियल सी में, क्यों पकड़ा? तो आप ये प्रूव कर देंगे कि यू आर गोइंग टू एंटर आर कंट्री, तुम जाने वाले थे, यहीं पकड़ लिया हमने तुमको। ओके या फिर टेरिटोरियल सी में घुसा इमिग्रेंट, इलीगल इमिग्रेंट्स का बहुत होता है ना, मोरक्को से स्पेन, अफ्रीका से यूके, यूरोप, द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, तो घुसे आप कॉन्टिगुअस जोन से टेरिटोरियल सी में, जस्ट घुसे, इलीगल इमिग्रेंट से भरा हुआ जहाज था, उधर से देख लिया कि उन कोस्टल गार्ड्स आ रहे हैं, फटाफट मोड़ के जहाज मोड़ लिया और बाहर हो गए, टेरिटोरियल सी की लाइन से बाहर हो गए और उन्हें कह रहे हैं ओके बाय, टच नहीं करना, तो वो टच कर लेगा पकड़ के कि नेसेसरी कंट्रोल मेजर्स हैं हमारे पास, तू किधर घुस रहा था इधर अंदर, जब हमारे सायरन बजे तो तू वापस हुआ और तेरे मैप पे जैसे ही तूने देखा कि टेरिटोरियल सी से बाहर हो गया है, अब तू एक्टिंग दिखा रहा है, समझ में आई बात? तो ये सारी चीज़ें, कोई कस्टम्स के लॉ ब्रेच किए जा रहे हैं, कस्टम नहीं पे करना बंदरगाह पर, सामान किधर और ही, अभी पीछे फर्जी फिल्म आई थी उसमें दिखाया गया ये पानी का जहाज किधर और ही रोक लिया, बंदरगाह पे लाने के बजाय किनारे से ही माल उतार लिया। तो ऐसा क्राइम करने के लिए आप कॉन्टिगुअस जोन में पानी का जहाज रोक के बैठे हुए हो, टेरिटोरियल सी में नहीं घुस रहे, छोटी छोटी किश्तियाँ या किसी तरह से भी कोई अंदर बंदे घुसेड़ दिए, मछुआरे कुछ भी, वो माल लोड कर करके वहाँ से अंदर ला रहे हैं, तो वो आपको बोल रहा है मैं घुसा तुम्हारे टेरिटोरियल सी में, तुम कह रहे हो नहीं, पर तुमने हमारी टेरिटरी और टेरिटोरियल सी से एसोसिएटेड लॉज कस्टम्स के ब्रेक करे हैं, तुम स्मगलिंग कर रहे हो और तुम कंटिगुअस जोन में हो, भूल गए थे तुम, यू आर नॉट इन द हाई सी, आई हैव ऑल द राइट्स टू एक्सरसाइज द मेजर्स विच इज नेसेसरी टू कंट्रोल सच एक्टिविटी, आई विल डू दैट। ये मिलता है हमें कॉन्टिगुअस जोन में। टेरिटोरियल सी जैसे कोई यहाँ पर अब नोटिस हो गया ना, कोई ऐसे सॉवरेन राइट नहीं है चीज़ें, एयर स्पेस भी अब यहाँ पर इंटरनेशनल हो गया है, एयर स्पेस भी अब नेशनल नहीं है, बात को समझो, लेकिन यहाँ पर हमारे पास नेसेसरी कंट्रोल मेजर्स हैं अभी भी। ओके अब हम इसको पढ़ दें पूरा। इसके अलावा एक और अधिकार है, वो क्या है? Additionally, in order to control trafficking in archaeological and historical objects, तो कई बारी कई जैसे हमारी एलिफेंटा की गुफाएं अंदर जाके समुंदर में है ना, तो कई बारी ऐसे archaeological या historical object जो importance रखते हैं वो यहाँ पर होते हैं समुद्र के क्षेत्रों में, तो कई बारी क्या होता है कि उनको ध्वस्त कर देना, तोड़ देना या नुकसान पहुँचा देना या उनसे जुड़े important elements तोड़ तोड़ कर ऐसे souvenir बेचना, trafficking होना, जैसे स्मगलिंग, ड्रग्स ट्रैफिकिंग, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आर्कियोलॉजिकल हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की भी ट्रैफिकिंग हो रही है। सो एडिशनली इन ऑर्डर टू कंट्रोल ट्रैफिकिंग इन आर्कियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स फाउंड एट सी,
A nation may presume that their removal from the seabed of the contiguous zone without its consent is unlawful. कंटिगुअस जोन के सी बेड में है तो नेशन ये मान के चलता है कि इसको अगर आप वहां से रिमूव कर रहे हैं तो ये हमारे देश के नियमों के मुताबिक अनलॉफुल है, हम आपको ट्रायल पे लेंगे या हम आपको अनुमति नहीं देंगे। इतनी बात समझ में आ गई? ये दो बातें बस याद रखना, पेपर में आ गया, MCQ तो हो जाएगा। चलें आगे। अब ये देखो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसके अधिकार क्या हैं, ध्यान से समझो। लिविंग नॉन लिविंग मटेरियल जितना भी है, जम के एक्सप्लोर करो, जम के एक्सप्लॉइट करो, जम के कंजर्व करो, जम के प्रोटेक्ट करो। एक्सप्लोर, एक्सप्लॉइट, कंजर्व, प्रोटेक्ट, जम के पूरी खुली छुट्टी। आर्टिफिशियल आइलैंड बनाओ, चिल मारो। कोई इंस्टॉलेशंस करनी है, इंस्टॉल करो माल। कुछ मिनरल निकालने हैं, निकालो। माइनिंग जो करनी करो। यू हैव एवरीथिंग, दैट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। आई बात समझ में? किसी जहाज को आने जाने के लिए कोई इनोसेंट पैसेज का ड्रामा करने की जरूरत नहीं, फ्री में आओ जाओ, मजे लो, चिल। कोई एयर स्पेस अब तुम्हारा नहीं, हवाई जहाज उड़ेंगे कुछ भी होगा, तुम कुछ नहीं। लेकिन ये वाला जो मजा है रिसोर्सेज का, लिविंग नॉन लिविंग बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि यहीं जब हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ से एसोसिएटेड बात करेंगे वहां पर फिर ये अधिकार में एक ही चेंज आना है। समझ में आ रही बात? तो अब लिखा क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है? Beyond and adjacent to the contiguous zone that extends seaward up to 200 nautical mile from baseline, nation has पहला right A, दूसरा right B, तीसरा right C, जो कि कुछ भी नहीं है, other rights जितने भी convention में लिखे। तो A और B दो तरह के rights क्या हैं? A, nation has sovereign rights हैं ये, permission लेने की जरूरत ही नहीं। बात एक बार हो गई तो अब हो गई। तो नेशन हैज सॉवरेन राइट्स ऑफ एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लॉइटिंग, कंजर्विंग एंड मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, वेदर लिविंग और नॉन लिविंग, ऑफ सी बेड, सब सॉइल, सुपर जेसेंट वाटर्स। सी बेड अंदर कोई मिनरल डूबा पड़ा, मिट्टी के अंदर धसा पड़ा है, ड्रिल मार के निकालो नेचुरल गैस। सब सॉइल और उसके ऊपर जो वाटर कॉलम है, मछलियाँ दौड़ रही हैं उस पर, सब जेसेंट वाटर। एक्सक्लूसिव राइट है, एक्सक्लूसिव मतलब सॉवरेन राइट है ये तुम्हारे, एंड इट इज योर एक्सक्लूसिव जोन। किसी और का अधिकार नहीं है यहाँ पे, इन मामलों में तुम्हारा। दैट्स वाई इट इज इकोनॉमिक जोन, डोंट कंसिडर इट सो मच पॉलिटिकल जोन, एंड राइट्स आर एक्सक्लूसिव। दैट्स वाई मैंने सॉवरेन राइट लिखा। मैंने क्या लिखा, जहाँ से ये ट्रीटी हुई है वहीं से डॉक्यूमेंट लिया है, तो उसी का ही है ये। मैं सीधी ट्रीटी वाले डॉक्यूमेंट से लिख रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ही ना आए। NOAA की वेबसाइट से मैंने ये लिया है सारा। ओके, सो सॉवरेन राइट्स ऑफ एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लॉइटिंग, कंजर्विंग एंड मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, वेदर लिविंग और नॉन लिविंग, ऑफ सी बेड, सब सॉइल, सुपर जेसेंट वाटर्स, अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द वाटर करेंट्स एंड विंड्स। बनाओ विंड मिले, लगाओ, जो करना करो, ये सब करो। बी establishment and use of artificial islands, artificial island exclusive economic zone में बना सकते हो कि नहीं, बनाओ। installations कुछ install करना चाहते हो, करो। कोई research करने के लिए कुछ, जैसे space station बनाया, वैसे sea में station बना लिया आपने, करो। वो जो आपने अभी देखी होगी राम सेतु में, वो लोग चाहते हैं ना कि हम लोग एक ऐसी research laboratory लेके अंदर घुसें कहीं पर जहाँ पर हमें कुछ प्रॉब्लम ना आए, वो ले लेके घुसते हैं वहाँ पे। हो सकता है वहाँ वो लोग एक स्टेशन भी बनाना चाहते हो। यू कैन इंस्टॉल, इंस्टॉलेशंस आर अलाउड। तो आर्टिफिशियल आइलैंड्स, इंस्टॉलेशन, स्ट्रक्चर्स, मरीन साइंटिफिक रिसर्च एंड द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द मरीन एनवायरनमेंट, सारे अधिकार आपके पास है। मरीन साइंटिफिक रिसर्च करो, इंस्टॉलेशंस लगाओ, आर्टिफिशियल आइलैंड बनाओ, स्ट्रक्चर्स बनाओ, मरीन प्रिजर्वेशन करो, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करो वहाँ के। यू हैव ऑल द राइट, आप एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से जुड़े वहाँ लॉज बना सकते हो, प्रिजर्व कर सकते हो कि ये जो वेसल्स निकल रहे हैं ये इतना पोल्यूशन कर रहे हैं, नहीं होना चाहिए, इसको कंट्रोल करिए, सारा कुछ करो आप। दिस इज़ योर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड द अदर राइट्स जो भी आते रहेंगे। तो मोटा मोटी इंटरनल वाटर टेरिटोरियल सी, कॉन्टिगुअस जोन और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन।
सारा समझ में आया? अब बट फटाफट देख लेते हैं हाई सी, द एरिया और एक्सटेंडेड एक्सक्लूसिव एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ। दो मिनट लगेंगे, चलिए जल्दी समझिए। अब कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखिए, कॉन्टिनेंटल शेल्फ कंप्राइज ऑफ सी बेड एंड सब सॉइल ऑफ द सबमरीन एरियाज। सबमरीन एरियाज मतलब पानी के नीचे का जो एरिया है, वाटर कॉलम के नीचे की बात हो रही है ना। हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में सारी बात तो कर ही चुके हैं। कंप्राइज ऑफ सी बेड एंड सब सॉइल ऑफ द सबमरीन एरियाज दैट एक्सटेंड बियॉन्ड इट्स टेरिटोरियल सी थ्रू आउट इट्स नेचुरल प्रोलोंगेशन ऑफ इट्स लैंड टेरिटरी टू द आउटर एज ऑफ द कॉन्टिनेंटल मार्जिन और टू अ डिस्टेंस ऑफ 200 नॉटिकल माइल फ्रॉम इट्स बेस लाइन। अब आप क्या समझ पाए? बिल्कुल सीधी कहानी, बेस लाइन टेरिटोरियल वाटर। टेरिटोरियल वाटर की जो लाइन है वहां से शुरू होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कहां तक जाएगा? पहला केस वन। केस वन में या तो इसे वहां तक मानो कि जो वो जो कॉन्टिनेंट है उसका नेचुरल प्रोलोंगेशन ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ ही कितना है, मतलब रॉक कितनी नेचुरल आगे को जा रही है वहां तक। दूसरा केस ये हो सकता है कि रॉक पीछे ही, रॉक जो है वो उतनी पीछे ही रुक गई तो वहां तक है। तीसरा पीछे मतलब कि एक है तरीका 200 नॉटिकल माइल्स का, वो आप बेस लाइन से मेजर करेंगे। ध्यान से समझिए आप, अगर बेस 200 नॉटिकल माइल से आगे तक जा रहा है तो वो एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ कंसिडर होगा। बात समझ में आई? तो वो एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ कंसिडर होगा, वहाँ पे आपके अधिकार बदल जाएंगे। दूसरा केस पॉसिबल ये बन सकता है कि जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाली 200 नॉटिकल माइल की लिमिट तक ही है। तीसरा केस ये है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की 200 नॉटिकल माइल की लिमिट के पहले ही खत्म हो गई है, तो वो फिर उतनी ही है। बात समझ में आई? लेकिन इसकी शुरुआत इंटरनल टेरिटोरियल वाटर की बाउंड्री से होती है, सॉरी टेरिटोरियल वाटर की जो लाइन है वहां से होती है, टेरिटोरियल सी। इतनी बात समझ में आई? चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। बोल बोल के नसों की भी हालत खराब। यहां पर देखिए, लुक एट दिस, दिस इज द बेस लाइन, दिस इज द बाउंड्री ऑफ द टेरिटोरियल सी। यही बाउंड्री है ना टेरिटोरियल सी की? तो टेरिटोरियल सी की बाउंड्री से कॉन्टिनेंटल शेल्फ शुरू हो रहा है। ओके, अब आप यहां पर एक चीज देखिए कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से आगे निकल गया। ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बाउंड्री थी, ये उससे भी आगे निकल गया, ये एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया। अधिकार थोड़े बदल जाएंगे। एक पॉसिबल कंडीशन ये होती कि ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के पहले भी ख़त्म हो सकता था। ओके, तो नेचुरल अदरवाइज हम इसे 200 नॉटिकल माइल्स तक ही मानते हैं, माने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के तहत ही मानते हैं। ओके, तो तीन कंडीशंस बनी हमारे सामने, या तो नेचुरल प्रोलोंगेशन से मेजर कर लीजिए, या आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है जितनी आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, और कई बार एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से आगे चला जाता है तो फिर वो एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है। ओके, चलिए, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ लिखा है कि कंप्राइज्ड ऑफ सी बेड एंड सब सॉइल ऑफ द सबमरीन एरियाज दैट एक्सटेंड बियॉन्ड इट्स टेरिटोरियल सी थ्रू आउट इट्स नेचुरल प्रोलोंगेशन ऑफ इट्स लैंड टेरिटरी टू द आउटर एज ऑफ द कॉन्टिनेंटल मार्जिन। नेचुरल प्रोलोंगेशन ऑफ इट्स लैंड टेरिटरी टू द आउटर एज ऑफ द कॉन्टिनेंटल मार्जिन, आउटर एज तक, और टू अ डिस्टेंस ऑफ 200 नॉटिकल माइल फ्रॉम इट्स बेस लाइन। या इतनी होगी या नेचुरल प्रोलोंगेशन जितना है उतनी होगी। इतनी बात समझ में आई? द एक्सटेंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ कैन ऑल्सो बी लिमिटेड बाय अ मैरीटाइम बाउंड्री विद अनदर कोस्टल स्टेट। अगर दूसरे कोस्टल स्टेट की मैरीटाइम बाउंड्री आ गई तो भी आपकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ का एक्सटेंट लिमिट किया जा सकता है। ये कई बार ऑप्शन में पूछा जा सकता है, ध्यान रखें। द पोर्शन ऑफ अ कोस्टल स्टेट्स कॉन्टिनेंट शेल्फ दैट लाइज बियॉन्ड द 200 नेट नॉटिकल माइल्स लिमिट इज ऑफन कॉल्ड द एक्सटेंडेड कोस्टल कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ओके, इतनी बात समझ में आ गई? अगली, अब एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अ कोस्टल स्टेट हैज सॉवरेन राइट एंड एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन ओवर इट्स कॉन्टिनेंटल शेल्फ फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड एक्सप्लॉइटिंग इट्स नेचुरल रिसोर्सेज
नेचुरल रिसोर्सेज कौन से, दैट इज मिनरल एंड नॉन लिविंग रिसोर्सेज ऑफ सी बेड एंड सब सॉइल टुगेदर विद लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेडेंटरी स्पीसीज। अब मतलब क्या यहाँ पर आया, देखिए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो था आपका उसमें तो आपको सबजेसेंट वाटर, सब सी बेड, सब सॉइल आपने लिखा ही हुआ है, हर तरह के अधिकार हैं लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों के मामले में। फिर हमने ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला टंटाई क्यों पैदा किया, कॉन्टिनेंटल शेल्फ आपकी अगर एक्सटेंड कर गई है 200 नॉटिकल माइल से आगे, ठीक है, तो वो आपकी एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। अब वहाँ पर एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ की जब मैं बात कर रहा हूँ तो आपके पास सॉवरेन राइट है, किस चीज़ का सॉवरेन राइट है कि आप मिनरल और नॉन लिविंग मैटर एक्सप्लोर कर सकते हो, एक्सप्लॉइट कर सकते हो, लेकिन सी बेड और सब सॉइल से ही जुड़ा ये अधिकार है, सबजेसेंट वाटर का राइट नहीं है आपके पास। अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में तो सबजेसेंट वाटर भी था, वाटर कॉलम, इसमें वो नहीं है। दूसरी बड़ी चीज़ उसमें लिविंग थिंग्स भी थी, इसमें लिविंग थिंग्स नहीं है, सिर्फ मिनरल या नॉन लिविंग बॉडी, क्योंकि लिविंग थिंग और सबजेसेंट वाटर का अधिकार किसके पास है, ये जिसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा, किसी का पानी यहाँ तक आ रहा होगा 200 नॉटिकल माइल वाला, आपकी तो सिर्फ नेचुरल टेरिटरी के कारण वो प्रोजेक्शन इतनी लंबी हो गई है कॉन्टिनेंटल शेल्फ की, इसलिए हम उसे लंबा मान रहे हैं, पर उसके ऊपर जो इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाला पानी है वो तो किसी और कंट्री का है ना, तो सारे राइट्स तो उसके पास है लिविंग नॉन लिविंग हर चीज़ का, सब सॉइल पर भी है, सी बेड पर भी है, और ऊपर पानी पर भी है। आपके पास सी बेड और सब सॉइल से जुड़े अधिकार हैं और वो भी मिनरल और नॉन लिविंग बॉडी से जुड़े हुए। पर कई बार कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जो उन रॉक्स के साथ सटे होते हैं और उन रॉक्स के साथ ही जी सकते हैं, तो अब रॉक्स उखाड़ के ही कोई एक मिनरल निकालोगे तो ऐसे लिविंग बॉडीज़ को हटा सकते हो। और दूसरे कई बार कुछ लिविंग बॉडीज़ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल इमोबेबल स्टेट में होते हैं, मूव नहीं कर सकते हैं, और उस समय में आप मिनरल्स हार्वेस्ट करना चाहते हो तो उन्हें हटा के ही आप वो करोगे। तो ऐसे में अगर आपको कोई हटाने का राइट ही ना दे और आपको कहे कि मिनरल एक्सट्रैक्ट कर, तो मिनरल कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? तो उन कहते हैं द सेडेंटरी स्पीसीज, उस जगह से चिपटी चिपकी हुई चीज़ें जो उन रॉक्स के अलावा जा ही नहीं सकती किधर। और दूसरा कुछ ऐसे जीव जंतु जो इमोबाइल हैं, चल ही नहीं पा रहे हैं, उसके हिल डुल ही नहीं पा रहे हैं, कुछ हो ही नहीं पा रहा है उनका, उनको हटा दिया जाता है, तो इसलिए सेडेंटरी स्पीसीज लिखी हैं। सो अ कोस्टल स्टेट हैज सॉवरेन राइट एंड एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन ओवर इट्स कॉन्टिनेंटल शेल्फ फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड एक्सप्लॉइटिंग इट्स नेचुरल रिसोर्सेज। अब यहाँ पर प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन वाला गया काम, वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाला करेगा, जिसका वो होगा। आप करिए चुप करके एक्सप्लोर एंड एक्सप्लॉइटेशन, किसका? नेचुरल रिसोर्सेज। कौन से नेचुरल रिसोर्सेज? मिनरल एंड नॉन लिविंग रिसोर्सेज, मार्क माय वर्ड्स, नॉन लिविंग रिसोर्सेज ऑफ सी बेड एंड सब सॉइल टुगेदर विद लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ सेडेंटरी स्पीसीज। ये नहीं कि बैठ के वहाँ पर पानी का जाल उतार के मछलियाँ पकड़ रहे हो, वो नहीं चलेगा। ये है कॉन्टिनेंटल शेल्फ से जुड़ा अधिकार। आगे कहानी आ गई द हाई सीज। कौन सा सी? All part of the sea not included in the exclusive economic zone, territorial sea or internal water, contiguous zone भी समझ लो, और in the archipelagic water, इंडोनेशिया कितने सारे आइलैंड है तो आर्किपिलेगो ही है, जो भी पानी इन सब में नहीं आ रहा वो हाई सी होता है, ना इंटरनल वाटर में, ना टेरिटोरियल सी, ना contiguous zone, ना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ना आर्किपिलेगिक वाटर में जो नहीं आ रहा है, मतलब जो किसी भी नेशन के टेरिटोरी, मतलब कि जो किसी भी नेशन के सी पर जो उसकी अथॉरिटी है उनसे बाहर है, वो सारा हाई सी है। अब आता है द एरिया, सी बेड एंड सब सॉइल बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ नेशनल ज्यूरिसडिक्शन। नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, नेशनल ज्यूरिसडिक्शन कहाँ खत्म हुआ? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पे। उसके आगे भी किसी की कॉन्टिनेंटल शेल्फ चल रही है तो वहाँ खत्म हुआ। उसके आगे अब जो सी बेड और सब सॉइल है वो किसका? दैट इज द एरिया। पानी नहीं आएगा इसमें, पानी नहीं आएगा। सी बेड और सब सॉइल की बात हो रही है। ये है द एरिया, मतलब समुंदर का वो हिस्सा पानी के नीचे जो कि किसी भी तरह की नेशनल ज्यूरिसडिक्शनों से बाहर है। सो सी बेड एंड सब सॉइल बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ नेशनल ज्यूरिसडिक्शन डज नॉट इंक्लूड सुपरजेसेंट वाटर, दैट इज वाटर कॉलम, और द एयर स्पेस, ये नहीं है इसमें। द एरिया एंड इट्स रिसोर्सेज आर द कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड। ये कॉमन हेरिटेज है मैनकाइंड के। No state may claim sovereignty or sovereign rights on its area and its resources. किसी की इस पर सॉवरेंटी नहीं है, ना कोई सॉवरन राइट है। ये है द एरिया, ये कॉमन हेरिटेज है मैनकाइंड की, सबका सांझा है ये।
कोई आप वहां जाके कुछ करने लगे और कोई नेशन आके कहिए तो मेरा सॉवरेन लैंड था, तो चल निकल, कुछ नहीं, सबका सब है ये। इट इज द कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड, दैट इज द एरिया, द एरिया, व्हाट इज द एरिया, द सी बेड और सब सॉइल, सी बेड एंड सब सॉइल बियॉन्ड द लिमिट ऑफ नेशनल ज्यूरिस्डिक्शन। ओके, और अभी हमने वो नेशनल ज्यूरिस्डिक्शन सारा पढ़ के हटे तो हैं, अभी क्या क्या है क्या नहीं है अभी तो देख के हटे हैं सारा। एक्सट्रीम कंडीशन में एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ के आगे का इलाका, और नॉर्मल कंडीशन में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के आगे का इलाका। ठीक है, इतनी बात समझ आई? दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, कंप्लीट।